सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई। रेंजर्स को 7 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। शेख रशीद का ऐसा बताना है कि पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियार दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है, शेख रशीद की जानिब से ये भी बताया गया है। तो पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं। रेंजर्स को 7 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियार दिए गए हैं। शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात की गई है। रेंजर्स को 7 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियार भी दिए गए हैं। रेंजर्स को 7 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। शेख रशीद का ऐसा बताना है कि पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियार दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है, शेख रशीद की जानिब से ये भी बताया गया है। तो पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं। रेंजर्स को 7 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियार दिए गए हैं। शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत जहाँ चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात की गई है। रेंजर्स को 7 दिन के लिए पंजाब भर में तैनात किया गया है। पंजाब रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियार भी दिए गए हैं।